सा गुब्बारा, इस पे फंस जाए सब चीटियां और मिल जाए छुटकारा। बार तुमने कोई अकल की बात की तो बतावा। भाई भयंकर, जब भी मैं करता हूँ कोई अकल की बात, कहते ही आपके की है मैंने बात, वो पहली बात है नहीं आपकी ये अच्छी बात। चुप रहो वरना एक पड़ेगी लात। अब देखो मैं कैसे उसका जादुई डंडा उससे छीनती हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा बालवीर, अब चखाती हूँ तुम्हें मजा। हे भटका की परी, भयंकर परी को लगे झटका, इन रस्सियों को तू दे भटका। ये! परी भयंकर, हे पढ़ रही आपकी सब बुद्धि चाल। जहां बल काम ना आए वहां छल काम आता है। इसका वो जादुई डंडा छीनने के लिए हमें इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। भयंकर परी, अभी अकल ही आई तुम्हें? अब तो समझ आ गया होगा कि बालवीर से तुम नहीं जीत सकते। मैं बोल रही हूँ ना, कान पर फिर के सॉरी बोल दो, बालवीर तुम्हें माफ कर देगा। अरे भयंकर, है नहीं सुझाव बुरा इस बच्चे का, चलिए मांग लेते हैं माफी कान पकड़ के। हाँ आप मेरे पकड़ना, मैं आपका पकड़ूंगा। जब रहो फुकुफ कहीं गए। मना की बालवीर शक्तिशाली है लेकिन मेहर तो कमजोर है हमारे सामने। मतलब क्या? अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले उसमें पत्थर फेंको। बड़ी भयंकर, जब चलते नहीं बड़े बड़े जादू आपके, चलेंगे कैसे छोटे छोटे पत्थर। अरे वहां देखो, उस बड़े वाले पत्थर को तुम्हें महल पर धकेलना है, समझे? तो मुझसे क्या होगा? जितना कहो है ना उतना ही करो। चक्कर टुकड़े टुकड़े हो जाए पत्थर। हाँ।
ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में इन लोगों ने तुम्हारा बॉन्ड ले लिया। देना धोखा तो है आदत पुरानी हमारी। मान लिया दिया धोखा हमने तुमको, पर लिया क्यों धोखा तुमने हमसे? तुम्हारी शक्तियां अब मेरे हाथ में है, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बालवीर। बालपरी, आपने बहुत अच्छा किया जो इस बच्चे को यहां लेकर आई। ये बच्चा यहीं रहेगा। आज से इस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी। और अब जब ये बालपरी का बेटा है तो इसका नाम हम रखेंगे बालवीर। बालवीर एक असाधारण बालक है, एक ऐसा असाधारण बालक जिसमें सृजन और संहार दोनों शक्ति ग्रहण करने की क्षमता है। बालवीर को हम परियों की शक्ति लेकर पृथ्वी लोक जाना होगा और भयंकर परी के कहर से वहां के बच्चों की रक्षा करनी होगी। आज से ये सात शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और साथ ही मेरा और परीलोक की सारी परियों का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। आज जैसे परीलोक जगमगा रहा है, हम चाहते हैं कि आपकी अच्छाई और सच्चाई से पृथ्वीलोक के सारे बच्चों की जिंदगी भी जगमगा उठे। हम ऐसा ही करेंगे रानी परी। जन्मदिन मुबारक हो। मुबारक हो। बालवीर, केक कैसा लगा? अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। ये केक तो बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा केक है ये। खुश रहो सारी परियां, खुश रहो डूबा डूबा। कैसे रहे खुश जब तक बालवीर का पता नहीं चलता? बालवीर का अता पता नहीं? पृथ्वी लोक पे बहुत से बच्चे मोबाइल के अंदर जा चुके हैं और अभी तक उन बच्चों के बारे में कोई भी सूचना नहीं आई। हाँ, और हमारा बालवीर भी ऐसे ही मोबाइल फोन के अंदर गया है और हमारे बुलाने पर भी वो नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्चों को बचाने मोबाइल में चला गया हो? तो वो बच्चे और बालवीर है कहाँ? भयंकर का छलावा।
11 साल कड़ी तपस्या करने के बाद आज मेरा शिकार मेरे हाथ लगा है। बहुत तड़पी हूं मैं तुम्हारे लिए, कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, धरती पाताल आकाश सब जगह ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिले। उन परियों ने अपने आंचल के तले छुपा के रखा था तुम्हें, मगर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम मेरे शिकंजे में जरूर फंसोगे, और आज तुम मेरी काली छाया के नीचे आ ही गए। बालवीर, अच्छाई की एक कमजोर कड़ी जिसे बुराई की ताकत ने अपने चुंगल में पकड़ लिया है। बेचारा बालवीर, एक भोला भाला मासूम सा बच्चा, चलाया परियों के कहने पर भयंकर परी से लड़ने, पर चली नहीं तुम्हारी शक्तियां यहां। अब देखो ना, हार गए तुम। अच्छाई कितना भी पसीना क्यों ना बहा ले बालवीर, बुराई की चालाकी के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। देखो ना, आ गए तुम मेरे शिकंजे में, मेरे शिकंजे में, भयंकर परी के शिकंजे में। सुन लो परियो, तुम्हारा बालवीर अब मेरे कब्जे में है, भयंकर परी के कब्जे में। अब मैं बनाऊंगी इसे अपना गुलाम, और ये वही करेगा जो मैं चाहूंगी, और इसके जरिए मैं करूंगी पूरे ब्रह्मांड पर राज। अब तीनों लोगों पर होगा केवल बुराई का राज। ये तुम्हारी गलत फहमी है भयंकर परी, तुम्हारी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, और बालवीर कभी बुराई का साथ नहीं देगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, कोई बात नहीं, ये अकड़ भी निकल जाएगी जब भूख और प्यास सताएगी। तौबा तौबा, जब तक कि हमारी गुलामी मान न ले, इसे एक बूंद पानी का नसीब ना हो, समझे? हाँ। है ये मजेदार बहुत खेल, मैं हूं बाहर और बालवीर गया जेल। अपने आप को संभालो बहू, और भगवान पे भरोसा रखो। देखो रो रो कर कैसा हाल बना दिया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं माँ, मेरे दो दो बच्चे गायब है, मेहर मोबाइल में चली गई और बल्लू का कुछ पता नहीं है। बल्लू के पास तो मोबाइल भी नहीं है, वो कैसे गायब हो गया? दादी माँ, मेहर आ जाएगी, बल्लू भी आ जाएगा, बालवीर अभी मोबाइल के अंदर घुस गए ना, वो सब बच्चों को बचा के ले आएगा, और बल्लू को भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएगा। भाभी, 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 जैसे वो अखंड दिया होता है ना, वैसे ये अखंड कैंडल है, इसके बुझने से पहले पहले मैं और बल्लू आ जाएंगे और आके बेल बजाएंगे। बेल कोई नहीं है। ये तो बापूजी और मोटा भाई हैं। हम लोगों ने तो सोचा कि बल्लू और मेहर आ गए, मानो ये तो तेरे पापा और तेरे पापा के पापा आए हैं।
मेहर और बल्लू का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, हर जगह पे ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेहर के दोस्तों के घर भी जाके आए, उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं बच्चों के खोने की वजह से। मोटा भाई आप परेशान मत होइए, देखना ये कैंडल बुझने से पहले पहले मेहर और बल्लू आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे। ये कैंडल तो मेरे जैसी है, कभी अटकती है कभी छूटती है। हाँ? मतलब कभी जलती है कभी बुझती है। दादाजी दादाजी ये मैजिक वाली कैंडल है, बर्थडे वाली कैंडल, ये बुझ बुझ के अपने आप ही जल जाती है। अरे दादाजी अभी हमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है ना? बालवीर मेहर और सारे बच्चों को जरूर बचाएगा।